हेलो पूनम एंड आई एम पूनम। सो आज का वीडियो भी एक ब्लॉग है। सो आज हम जा रहे हैं संबलपुर। अभी तो रात के 9 बज रहे हैं। हम कल सुबह 5 बजे उठ के हमें 6 बजे से पहले जाना है, ट्रेन है। तो संबलपुर में मेरे पापा रहते हैं तो हम उनके घर जाएंगे। और मैं भी अभी मेरा पैकिंग कर रही थी। अभी मैं इस फ़ोन को थोड़ा सा खाली कर दे रही हूँ ताकि मैं व्लॉग्स बना सकूँ। तो अभी वही मैं ये फ़ोन को खाली करूँगी, फिर कैमरा को भी थोड़ा सा देखूँगी खाली है कि नहीं, फिर मैं नीचे जाके मेरा पैकिंग को कंटिन्यू करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी मैं क्या क्या पैकिंग मैंने किया है। सो अभी तो मम्मी ने भी पैकिंग नहीं किया है अच्छे से। तो हम तो हर वक्त मतलब जाने से पहले के दिन में रात को ही करते हैं पैकिंग, क्योंकि ना मतलब टाइम नहीं होता सुबह में। तो वही तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखना एंड इसको लाइक भी कर देना इस ब्लॉग को एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे तो हमारा पैकिंग चल रहा है, 11 बज गए हैं एंड हमने खाना भी नहीं खाया है, अभी खाएंगे। और मेरा भाई तो वहाँ पे सो गया है देखिए। एंड हमारा घर का हाल भी बहुत ही ख़राब हो गया है, मतलब पूरा गंदगी मच गई है यहाँ पे और पैकिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अभी ठंड का मौसम है ना, तो मतलब जो स्वेटर वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए बैग्स भी बहुत भारी हो जाएंगे। ठंड का मौसम है यहाँ पे, बहुत ठंड है। और जो संबलपुर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पैकिंग किया है। फिर ये देखिए, ये मेरा बैग है, इसमें बस मेरा ही कपड़ा है। मतलब बाहर जाने के कुछ मतलब बाहर जाने का कुछ ड्रेस वगैरह है, स्वेटर्स है एंड घर का कुछ ड्रेसेस। ये देखिए, स्वेटर ज़्यादा मोटा मोटा लेना पड़ रहा है क्योंकि ना वहाँ पे ठंड है। ये मम्मी का है, मम्मी और भाई का बैग है ये। तो और भाई और वहाँ पे वो सारा खाना वाना आके रखा है, कल लेके जाएंगे। एंड ये मेरा मेकअप वाला बैग है, इसको मैं हर वक्त मेरे पास ही रखती हूँ। और ये इसमें मेरे सारे रबर्स बैंड है सारे। तो हम अभी पैकिंग करके सो जाएंगे, आई थिंक 12 बज जाएंगे, अभी खाना भी खाना है, फिर पैकिंग करके हम सो जाएंगे। फिर तो मैं आपसे कल सुबह 5 बजे मिलती हूँ। 5 बजे उठ के रेडी होना पड़ेगा, तो मैं मिलती हूँ आपसे 5 बजे कल सुबह। ठीक है गाइस, तो हम उठ के रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत ठंड है, अभी सुबह का टाइम है, बहुत ठंड है। बाहर तो ऑटो में जाते वक्त तो बहुत ही ठंड लगेगा, देखिए ग्लोव्स सब कुछ। एंड अभी सनराइज भी हो जाएगा, 6 बजने वाले आ रहे हैं। तो अभी हम ऑटो में जाएंगे, तभी मैं मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, सनराइज हो रहा है। तो हम अभी यहाँ पे ऑटो से निकल गए हैं, हम फिर स्टेशन को भी जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम अभी
पहुंच गए हैं स्टेशन को, सारे मतलब बैग वैग्स पकड़ के हम अभी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मेरे भाई भी पूरा नींद में है अभी। हम तो पहले ट्रेन में जाके पहले मैं और मेरा भाई तो हम दोनों सो ही गए थे। ये देखिए हमारा स्टेशन है, यहाँ पे हमारा ट्रेन आ गया है, ट्रेन आ गया था हमारा तो अभी हम, ये देखिए हमारा ट्रेन है। यहाँ पे देखिए हम अभी यहाँ पे ट्रेन में चढ़ के बैठ गए हैं अभी। फिर अभी यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर में सो गई थी। फिर देखिए यहाँ पे फिर मैं थोड़ा जो पराठा और सब्जी मामा बना के लेके गई थी तो वो खाए। मैं तो सो गई थी, फिर उठी जब तब 10 बज गए थे, क्योंकि ना इतने सुबह मैं कभी नहीं उठती। एंड देखिए यहाँ पे रास्ते पे बस पहाड़ ही पहाड़ थे और कुछ नहीं था, बस पहाड़। क्यों ना संबलपुर जो एरिया है वो थोड़ा सा पहाड़ी पहाड़ जैसा एरिया है, वहाँ पे बस पहाड़ है। एंड हम जो भी जगह घूमे तो वो सारे जगह बस पहाड़ के ऊपर ही थे। तो उनका भी व्लॉग्स आएगा आगे, आप लोग देखना व्लॉग संबलपुर का और भी आएगा। ये पहला वाला व्लॉग है, फिर और भी 3-4-5 व्लॉग्स आएंगे, देखना उसको। देखिए हम यहाँ पे संबलपुर फाइनली पहुँच गए। सुबह से पूरा मतलब दोपहर तक बैठ के मतलब पूरा शरीर दर्द हो गया था। फाइनली अभी हम संबलपुर पहुँच गए हैं। अभी ये देखिए मेरे पापा आए थे स्टेशन को हमें लेने, फिर हम ऑटो में उनके घर चले गए। तो जो जिस दिन हम गए उनके घर तो उस दिन हम कहीं घूमने नहीं गए, पर उसके संबलपुर का सेकेंड डे में हम घूमने गए थे। उसका भी मैंने ब्लॉग किया है, उसका भी ब्लॉग आएगा। बट मेरे को संबलपुर का जो स्टेशन है ना, वो स्टेशन मेरे को बहुत पसंद आया। एंड मैं जब संबलपुर गई थी वहाँ पे मतलब मेरी एक दोस्त है, मेरे घर के पास ही रहती है, वो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मतलब मैं जब गई थी, जिस दिन गई थी संबलपुर, वो भी उसी दिन संबलपुर गई थी। एंड वो सेम ट्रेन में, मैं जिस ट्रेन में गई थी वो भी उसी ट्रेन में गई थी, बट हम पता नहीं कैसे हम देख नहीं पाए एक दूसरे को। तो वो मतलब मैं जिस दिन जो जहाँ घूमने भी गई थी वो भी घूमने गई थी, मतलब ये पूरा मतलब सेम हो गया, पता नहीं कैसे पर हो ही गया। अभी हम पहुंच गए उनके घर। एंड यहाँ पे मैं पूरा थक ही गई थी। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी व्लॉग्स आएंगे, वेट करना।